दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो दिल्ली षड्यंत्र केस दोस्तों, इतिहास की वो घटना है जो घटित तो 1912 में हुई परंतु इसके बारे में पूरी जानकारी आज दिन तक नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस वक्त भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और भारत का वॉयसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारतीयों के प्रति घृणा से भरा हुआ था दोस्तों, और वो अपने सारे डिसीजंस भी इसी मंतव्य से दिया करता था। तो इसकी वजह से हमारे कुछ क्रांतिकारी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसको सबक सिखाया जाए, और सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई गई कि जब वो दिल्ली दरबार लगाएगा तो उसके हाथी यानी उसके अहदे पर बम फेंका जाएगा। ऐसा ही किया गया, उसके अहदे पर बम फेंका गया, परंतु भारत का दुर्भाग्य था कि लॉर्ड हार्डिंग बच गया। परंतु आज दिन तक दोस्तों कभी भी ये पता नहीं लग पाया कि वो बम जो था वो किसने फेंका। हालांकि अंग्रेजों ने बसंत कुमार विश्वास नाम के एक नवयुवक को फंसाया और उन्हें फांसी दे दी, परंतु एग्जैक्ट आज तक नहीं पता। हालांकि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।